Assalamualaikum student, कल हमने 1.2 कर दी आज हम 1.3 exercise start करेंगे. तो 1.3 से related जो हमारे पास situation है वो addition and subtraction of matrices. अब addition या subtraction वो दोनों के लिए हमारे पास condition same होती है. condition ये होती है कि दो matrices आपस में उस वक्त add या subtract हो सकते हैं जब उनका order सेम हो. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक matrix जो है उसका order 2x2 है, उसके साथ सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है. अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है तो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स ही उसके साथ ऐड हो सकता है. तो एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है मैट्रिक्स के लिए, कि सेम ऑर्डर होना चाहिए. पहले अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है वो आपस में ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकते. हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ. उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन. हमने जस्ट ये बताना है कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है a is equal to 2 1 minus 1 3, b हमें दिया गया है 3 1, c हमें दिया गया है 1 0 2 minus 1 1 minus 2, d हमें दिया गया है 2 plus 1 and 3, e हमें दिया गया है minus 1 0 1 2 और f हमें दिया गया है 3 2 1 plus 1 minus 4 3 plus 2 and 2 plus 1. हमें जस्ट ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमें जस्ट ये बताना है कि ये ऐड इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं. हम जैसे ऐड या सबट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम a को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका ऑर्डर होता है 2x2. ऑर्डर के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, आप हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर में हमेशा हमें हमारे पास रो नंबर ऑफ रोस बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ही आप काउंट करते हैं. आपने कभी पहले कॉलम्स की स्ट्रेंथ नहीं लिखी. यहां पर हमारे पास ऑर्डर है 2x2, तो हम ऐसा मैट्रिक्स देखेंगे जिसका ऑर्डर 2x2 होगा. तो ये हो गया, आपस में ऐड कर सकते हैं. हम देखेंगे a एंड e. नेक्स्ट हम देखें b, इसका ऑर्डर है 2x1, तो इसके साथ हमेशा 2x1 का मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है. b और d आपस में ऐड हो सकते हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे b एंड d. लास्ट वन हमारे पास c है. c का ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, जिसका 3x2 ऑर्डर है और जिसका 3x2 ऑर्डर है, हम लिखेंगे c एंड f. तो ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास सिचुएशन है वो कह रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स. फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सेम चीजें हैं. जैसे हमने बात की थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने किया है, हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह हम प्लस कर देते हैं. तो सेम हम एडिटिव इनवर्स में यही करेंगे. एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास f इज इक्वल टू स्केल रूट 3 1 माइनस 1 एंड स्केल रूट 2. जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे. यहां पर आपने 3 के साथ प्लस नहीं, यहां पर इस साइन को आपने रिमूव नहीं करना, आपने बाहर कर देना है. तो बाहर प्लस है, इसके साथ हम माइनस कर देंगे. ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस कर देंगे. इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस कर देंगे. यहां पर प्लस है, इसके साथ हम माइनस कर देंगे. तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा. एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स रिपीट करूंगा बिल्कुल एक जैसी चीज होती है. उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिचुएशन ये है, हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन मैट्रिसेस को उनकी वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज को हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया, आपको सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास a दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to minus 1 2 2 1. b हमारे पास दिया गया है 1 एंड माइनस. पहला पार्ट हमारे पास है a प्लस 1 1 1 एंड 1. इसका ये मतलब है कि हमने क्या करना है, इस a की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है. मैं क्या कर रहा हूं, इस a की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1 2 2 1 प्लस एडिशन आ जाएगा 1 1 1 एंड 1. हमेशा
हम ऐड या सबट्रैक्ट करते हुए कोरिस्पोंडिंग साइड्स को ही ऐड या प्लस करते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वो पहले से दूसरी दूसरे से तीसरी तीसरी से होता थी चौथी से माइनस वन प्लस वन टू प्लस वन टू प्लस वन वन प्लस माइनस वन प्लस वन जीरो टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन थ्री वन प्लस वन टू डेट इज योर आंसर। इसके बाद मैं इसका नंबर सिक्स पार्ट करूंगा और इसके अलावा बाकी बच जाएंगे, आपने क्वेश्चन नंबर थ्री को कंप्लीट कर देना है। हमारे पास नंबर सिक्स पार्ट है माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहां पर मैं माइनस वन एज इट इज लिखूंगा, बी की वैल्यू मैं यहां पर आपके ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर इनफ है। इंशाल्लाह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।